गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्विफ्ट डिजायर ओल्ड मॉडल के बारे में। इसमें प्रॉब्लम थी, जो इसका टर्बो का पाइप होता है वो बुरी तरीके से लीक कर रहा है। तो अभी हमने इसको खोलने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे किस तरीके से लीक कर रहा था। जो इसको स्टील का पाइप होता है, टर्बो से ब्लॉक में जाता है, दो दस नंबर के बोल लगते हैं टर्बो में नीचे से, और जो ब्लॉक में लगता है स्टार एलंकी के दो बोल लगते हैं, T30 के दो बोल लगते हैं, उस वाला पाइप है। अभी आपको दिखाएंगे कौन सा पाइप है। तो उसमें ये लीक कर गया था स्टील का जो पाइप कभी कभी टूट जाता है अपने आप, तो ऑयल लीक कर जाता है। तो इसमें इतनी बुरी तरीके से ये लीक कर रहा था इंजन ऑयल, तो बस इंजन सीज ही होने वाला था बस। तो देख लिया कस्टमर ने, तो ले आया है अब वो, तो अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, पाइप दिखा दें कहाँ पर होता है, सबको दिखा दें पाइप कहाँ पर लगता है इसका। ये देख सकते हो स्टील का पाइप है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये देखिए लीकेज हो रहा है कितनी तेज। तो अभी हम इसको बदलेंगे पाइप को, तो इसमें दिखा दें फिटिंग क्या क्या खुलता है। सबसे पहले इसका बम्पर हटा देंगे, बम्पर हटा के फिर आगे की फिटिंग आपको दिखानी क्या 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 फिटिंग खुलती है इसमें। ठीक, पहले बम्पर हटा दे रहे हैं, बम्पर हमने खोल दिया है, अब इसका हम खोलने जा रहे हैं। इंटरकूलर हटा देंगे, ये वाला पाइप होता है इंटरकूलर में लगता है, तो इसको हम इंटरकूलर हटा देंगे, यहाँ पर जगह हो जाएगी तो आराम से मेरा पाइप टर्बो खुल जाएगा। तो हम इंटरकूलर हटा देंगे, एयर फिल्टर हटा देंगे, एयर फिल्टर में दो बोल्ट लगते हैं इंटरकूलर में, एक यहाँ पर बोल्ट लगता है, एक पाइप लगता है यहाँ पर, एक पाइप यहाँ पर लगता है, ये दोनों पाइप निकाल देंगे, एयर फिल्टर हटा देंगे, सॉकेट लगता है, क्लंप लगती है, इसको हम हटा के फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। देखिए मैंने इंटरकूलर भी खोल दिया, एयर फिल्टर भी खोल दिया है, और ऊपर का सपोर्ट भी खोल दी है। अब इसका खोलने जा रहे हैं रेडिएटर, रेडिएटर में दिखाने आपको कहाँ कहाँ पर पाइप लगती है। एक पाइप यहाँ पर लगता है, एक पाइप यहाँ पर लगता है, और एक सॉकेट लगता है यहाँ पर, और ऐसे कंप्रेसर के दो बोल्ट लगते हैं दिसंबर के, एक यहाँ पर लगता है, एक यहाँ पर लगता है, और एक पानी का पाइप यहाँ पर लगता है। तो इतना सारा खोल के हम आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, रेडिएटर हटा देंगे इसका, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, ये देखिए मैंने रेडिएटर खोल दिया है, ये रखा है इसका रेडिएटर। अब इसका हम पाइप खोलने जा रहे हैं, आपको दिखा दें पाइप किस तरीके से खुलता है। ये वाला पाइप, एक ये वाला बोल्ट होता है 10 नंबर का, और एक इसके अंदर बोल्ट होता है 10 नंबर का, उसको ढीला करना पड़ता है और इसको पूरा खोलना पड़ता है। इसको ढीला कर दोगे तो हल्का सा ये उसमें खाँचा बना होता है वो निकल आता है। ठीक, तो और ये पूरा बोल्ट खोलना पड़ेगा, और इसके अंदर दो बोल्ट लगते हैं, T30 एलंकी स्टार वाले लगते हैं दो बोल्ट, बोन को हम खोल लेंगे, इसको पाइप में बाहर निकालेंगे, फिर पाइप निकाल के बाहर अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक, पाइप कहाँ से क्या प्रॉब्लम थी, ये देखिए हमने इसका पाइप खोल दिया है, आपको पाइप दिखा दें, कुछ इस तरीके का पाइप होता है इसमें। ये पाइप आपको दिखाएँ कहाँ से ख़राब हो गया, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये देखो ये यहाँ पर, ये देख सकते हो ये पाइप ख़राब हो चुका है, फट गया यहाँ पर से, स्टील का पाइप होता है फट गया। ये देख सकते हो पाइप ख़राब हो चुका है, तो इसको पाइप को चेंज करेंगे, फिर सारी सफाई उफाई करके जब फिट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, इस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना वीडियो किस कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।